हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शायद ये प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं। मुश्किल से 10 या 11 दिन हो गए। आप सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग को एक ब्रेक चाहिए था, एक टाइम चाहिए था रिकवर होने का। रिकवरी तो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इतने लोगों के मैसेजेस आए, डीएम आए, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है कि आप कब ब्लॉगिंग शुरू करोगे, आप लोग की कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है, वी वांट टू नो कि आप कैसे हो, क्या हो। दोस्तों, हम लोग ठीक हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने इतना पूछा है, इसलिए हम चाहते हैं आप लोगों से बात शेयर करें, ब्लॉगिंग भी शुरू करें। एक ऐसा वीडियो बहुत जरूरी था कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें, बात करें, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग बताना चाहते हैं कि कोको के जाने के बाद जो आप लोगों का रिस्पांस रहा, जो आप लोगों ने बताया कि आप लोग कोको के लिए कितना फील करते थे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं नहीं जानता था कि कोको से लोग इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना प्यार करते हैं कोको को, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हुए वो रिस्पॉन्स देख के, लोगों का प्यार देख के। और उसने बहुत मदद की है हमको रिकवर होने में, हमारे दोस्तों ने बहुत मदद की है। ये पेन तो हमेशा ही रहेगा, ये ख़त्म तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, धीरे धीरे कम ज़रूर हो सकता है वक्त के साथ, जैसे सारे पेन होते हैं, लेकिन आई होप कि हम पहले जैसे वीडियोस बनाना शुरू करें, ब्लॉग्स बनाएं, आप लोगों से बात करें, और दिस इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से वी फील गुड, वी फील कनेक्टेड। तो एक्चुअली कोको के जाने के बाद तो मैं इस स्टेटमेंट नहीं थी कि मैं ब्लॉग तो बहुत दूर की बात है, कोई भी किसी से मिलूं या किसी से बात करूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही एकदम आई वाज शैटर्ड। कोको के जाने के बाद एक्चुअली ऐसा लगा पहले तो मेरे को कि मेरी एकदम लाइफ ही खत्म हो गई, मतलब वो मैं ले नहीं पाई। दो मुझे डॉक्टर बोल रहे थे, काफी टाइम से बोल रहे थे कि आर यू प्रिपेयर्ड, संभावना बी प्रिपेयर्ड नाउ, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं प्रिपेयर हो रही हूँ, लेकिन इतना टाइम ना करीबन 2 महीने का अगर आप लगा लो तो कोको के साथ मेरा इतना ज्यादा निकला कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा कोको के साथ बिजी थी कि कोको के जाते ही वो सारा टाइम मेरा एकदम खाली हो गया। मतलब मुझे वो खालीपन महसूस हुआ कि ये लड़का मेरी लाइफ में कितना ज्यादा मतलब पूरा टाइम मेरा ले लेता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा वक्त कहाँ निकल गया, क्योंकि कोको की दवाइयाँ, कोको को ठीक तरह से उठाए कि नहीं, कोको को पलटना है, कोको की मतलब एंड में तो ये भी हालत हो गई थी कि कोको को पलटना भी पड़ रहा था, उसकी करवट भी बार बार बदलनी पड़ी थी। तो आई यूज टू गेट वेरी कंसर्न्ड कि रात को कैसे होगा। कई बार मैं अमिता को बोल देती थी, कई बार मैं उस चीज़ का ध्यान रखती थी कि मैं बार बार जाऊँ, तो मेरी एक्चुअली रातों की नींद भी बहुत खराब हो गई थी। लेकिन जब कोको गया तो मुझे पता लगा कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और वो उसके जाने के बाद मुझे झटका बहुत बड़ा लगा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब कोको जिस दिन गया, आई थिंक उसी दिन की बात है ना, दिन में आई थिंक पूरी रात तो हम हॉस्पिटल में रहे, फिर सुबह कोको को क्रिमेट करके आए, दमाए हैं, तो मेरा बीपी बहुत लो हो गया, मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, 3 दिन तक बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब रही। उसके बाद मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ, और ये भी सोच रही हूँ कि लाइफ को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। कोको गया, लेकिन उसकी मेमोरीज तो हमारे पास है ही, उसकी सारी मेमोरीज हैं। ऑल दीज इयर्स, 4 साल से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे ना मेरे व्लॉगिंग का पर्पस समझ नहीं आता था। मतलब ऐसा लगता था कि चलो एंटरटेनिंग है, चलो मैं मस्ती मजाक करती हूँ, चलो ये है वो है, लेकिन मुझे ना इस बार कोको के जाने के बाद मेरे को मेरी व्लॉगिंग का एक्चुअली पर्पस समझ में आया कि 4 साल से मैं जो व्लॉग्स कर रही थी उसका एक ही पर्पस था। एक्चुअली शायद मैं व्लॉगिंग की दुनिया में इसलिए आई ताकि मैं बहुत लोगों को ये अवेयर करा सकूं कि डॉग्स आर नॉट जस्ट डॉग्स, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उनके इमोशन हमसे कहीं ज्यादा हैं, और हम लोगों को उनका कहीं ज्यादा, जितना मतलब एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को दे सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा आपको एक एनिमल दे सकता है अपने इमोशंस के थ्रू, अपने प्यार के थ्रू। तो यही मैं शायद ऑल दिस वाइल मेरे को ऐसा लगा कि मेरा व्लॉगिंग में आने का एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि शायद मैं अननोइंगली लोगों को अवेयर कर रही हूँ डॉग्स के प्रति, उनके प्रति प्यार करो, नफरत मत रखो, मारो मत, ये मुझे इतने टाइम में अब समझ में आया। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे डॉग्स मिले जिनकी जर्नी मैं थ्रू आउट आपसे शेयर कर सकी। कोको इतना टाइम तक रहा, चलो बहुत लास्ट के टाइम में ही आप लोगों के साथ में नजर आया, क्योंकि व्लॉगिंग को ही हमारे 4 साल हुए, इसलिए कोको आपको पता लगा, वरना मेरी जिंदगी में ये उतनी ही अहमियत रखते थे। मैं आपको बता दूं कि जब कोको गया है ना, तब से हम लोगों को चेरी का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, बिकॉज चेरी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, और इसको हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं, इसको हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इसका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। दिन में रात में मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इसको खिलाऊं, थोड़ा सा इसका दिमाग डाइवर्ट करूं, बट आई कैन सी कि
अभी चेरी भी 13 इयर्स की हो गई है और चेरी ने सबसे ज्यादा टाइम कोको के साथ स्पेंड किया है और एक्चुअली ये तीनों ही वो जो घर में कमी है ना जो कोको के ना होने की वो फील कर पा रहे हैं, वो दिखता है इनके एक्शन में, लेकिन चेरी के एक्शन में बहुत ज्यादा दिख रहा है क्योंकि चेरी पिछले 13 साल से कोको के साथ रही है, वो कोको के साथ एक्चुअली खेली है, जब कोको खेलता था, दौड़ता था, लड़ता था, वो सब उसने किया और सडनली इन्होंने देखा कि हम कोको को लेके गए लेकिन जब आए तो हमारे हाथ खाली थे। एक्चुअली हमारे हाथ खाली नहीं थे, हम लोग कोको के एशेज लेके आए हैं जो हम लोगों ने शेयर नहीं किया और आप लोगों से शेयर करूंगी क्योंकि हमारा प्लानिंग्स है कुछ कोको के एशेज को लेके हमें जाना है। तो कोको को एक रिस्पेक्टफुल गुड बाय बहुत जरूरी बनता है, तो हम लोग ने सोचा है कि वो दिवाली के बाद करेंगे, अभी दिवाली का टाइम है, घर पे भी बड़ा सारा काम चल रहा था आप लोगों को पता है, वो भी काम कंप्लीट हो गया है, तो बहुत सारी चीजें अब आपके साथ धीरे धीरे ट्रैक पे आएगी ना, लाइफ एकदम से नहीं आ सकती, मतलब मैं आप मुझे कहो कि एकदम से मैं नॉर्मल होके सब कुछ नॉर्मल शुरू हो जाए वो तो होता नहीं है, किसी से भी ज्यादा मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कोको, उसके लिए जो जो भी मैं कर सकती मैंने किया, हम लोगों ने किया और अभी भी जो कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए, उसके अच्छी तरह से गुड बाइज के लिए, जितना भी हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। एंड विद दिस मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि मैं कल से नॉर्मल अपने ब्लॉग्स शुरू करूंगी, ये सिर्फ आप लोगों को थैंक्स करने के लिए आए थे हम लोग, आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, इतना प्यार दिया हम लोगों के लिए, ये थ्रू आउट लोगों के कमेंट्स चल रहे थे, मुझे अविनाश ने बताया कि लोग चाह रहे हैं कि हम लोग वापस आए एंड यू नो जो भी हो गया हो गया, अभी आप ब्लॉगिंग में वापस आओ, वी वॉन्ट टू सी वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वी वॉन्ट टू सी यू कम बैक इन ब्लॉगिंग, एंड इसीलिए आज हम लोग आपके सामने ये वीडियो बना हम लोग आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं और ये बताने आए हैं कि कल से ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, जैसे तैसे भी स्टार्ट हो सकती है हम लोग शुरू करेंगे। एंड ये वीडियो मेनली बस आप लोगों को थैंक्स बोलने के लिए था, जिस तरीके आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे पर्सनल लेवल पे, हमको इतने सारे लोग मिले बाहर जिन्होंने इतने कंसर्न से कोको के बारे में बात की है, इवन जब हम लोग कोको को लेके क्रेमेटोरियम गए थे वहां पर लोग मिले जिन्होंने हमें देखा और संभावना का हाथ पकड़ के सीधा बोला मैम इज इट कोको, क्योंकि उन्हें पता था कि एनिमल क्रेमेटोरियम है तो यहाँ पर डेफिनेटली और किसी को लेके तो आप नहीं आओगे, और जिस रिस्पेक्ट से उन्होंने बात की और इतना कंसर्न दिखाया, जैसे उन्होंने हमारे दुख को शेयर किया वहां पर, तो ऐसा लगा कि वो कोई हमारे सब्सक्राइबर फैन नहीं है, वो हमारी फैमिली मेंबर है। बहुत जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो कॉल करेंगे, उनमें से किसी ने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेजेस नहीं आए, कुछ नहीं, जिनसे आपको एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जो हमें लगता था आज तक कि हमारे SS व्लॉग्स देखते हैं या प्यार करते हैं हमें, उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया ये हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, मतलब मैं आपको एक एक बात इतनी सच बोल रही हूँ कि हम लोगों को नहीं पता था कि आप लोगों का कनेक्शन कोको के साथ इस लेवल तक का है, जो मेरा है या फिर अविनाश का है उस लेवल तक का है, आप लोग भी हमारे साथ उतना ही रोए हो जितना हम लोग रोए हैं, जितना मेरी हालत खराब थी उतना ही आप लोगों की हालत खराब थी, सो लेटर मैं जितने मैसेजेस पढ़े, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली, आप लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल था कि मैं किस हालत में हूँ, फैमिली किस हालत में है, तो आप देख लो, फैमिली से मिल लो, चेरी से आप मिल लियो, ये रही मेरी छुटंकी, तीनों बच्चे यहीं पे हैं और अब हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम इनको दे पाए, कहीं भी बाहर जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है तो जाते हैं और वो काम खत्म करके सीधा घर पे आ जाते हैं, बिकॉज यही चल रहा है, बिकॉज ये लोग बहुत अकेला फील कर रहे हैं अभी, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, और कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये अननोइंगली हो भी रहा है क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि हमारे पास बच्चों के लिए कितना कम वक्त बचा है, इनका वैसे ही लाइफ टाइम इतना छोटा होता है लाइफ स्पैन, और उसमें भी हम अगर इनके साथ कम टाइम बिताएंगे तो वो बहुत ही गलत है, वो लास्ट का पछतावा जो होता है ना वो आपके साथ रह जाता है, और वो कोको के साथ लकीली नहीं था क्योंकि कोको अच्छी जिंदगी जिया 19-20 साल तक, लेकिन हम सबके बारे में ये नहीं कह सकते कि किसकी जिंदगी कितनी होगी। चेरी 13 इयर्स की हो गई है, डॉग्स की नॉर्मल एज कहा जाता है 12-13 ही होती है, और मैं देख रही हूँ चेरी में चेंजेस कि थोड़ा सा ऊंचा सुनने लग गई है, थोड़ा सा कम दिखने लगा है और थोड़ी सी वरिड भी है, वी आर ट्राइंग टू गिव अपना जितना भी टाइम हम दे सकते हैं, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि जितना भी टाइम है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हम इनको ज्यादा से ज्यादा दें, इनको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि जब भी ऐसा वक्त आए तो हमें कोई रिग्रेट ना रहे, कोई गिल्ट ना रहे, और आप लोगों से भी गुजारिश है अगर आपके घर में पेट्स हैं तो जैसे आप इंसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ करें, और हम लोगों ने ये जो अपनी फैमिली बनाई है आप लोगों ने और हमने मिलके ना, इसके थ्रू ये अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि जितना एनिमल्स इंसानों को किसी चीज का हक है उतना ही एनिमल्स को भी होना चाहिए, और सबको इस धरती पे
रहने का और प्यार पाने का पूरा अधिकार है। जो लोग नहीं समझते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं या उनके इमोशंस क्या होते हैं, उनको मारते हैं पीटते हैं, वो सब ना करिए। मेरा पर्पस समझ में आया व्लॉगिंग का इतने सालों के बाद। बट विद दिस वी एंड दिस वीडियो एंड आप लोगों को थैंक यू सो मच अगेन कहूंगी। आप लोगों को ये भी कहूंगी कि मैं ठीक हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं मतलब किस हालात में होंगी, आप लोग सब चिंता में थे, आई एम फाइन। और टाइम लगेगा ये नहीं मैं कह सकती, बट उतना ही स्ट्रांगली हम लोग कम बैक करेंगे एंड वी प्रॉमिस यू कि व्लॉग्स आएंगे। अब जितना हमें टाइम चाहिए था उतना तो लगा, लेकिन अब हमारे व्लॉग्स रेगुलर आएंगे और आप लोगों को हम लोग कल से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।